हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी लेक प्लासिड वर्सेस एनाकोंडा को, जो 2015 में रिलीज हुई है। ये एक क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, ये मूवी लेक प्लासिड मूवी सीरीज का 5th पार्ट है और ये मूवी क्रॉसओवर है एनाकोंडा मूवी के साथ। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें, उससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है फेंसिंग के अंदर, जहां हम एक क्रोकोडाइल को देखते हैं जिस पर एक ट्रैंकलाइजर कोई शूट करता है और वो बेहोश हो जाता है। अब वहां हम जिम बिकरमैन को देखते हैं, जो लेक प्लासिड 4 में क्रोकोडाइल के हमले से बच गया था, लेकिन उस वजह से वो अपनी एक आंख, हाथ और पांव खो चुका था। और वहां हम बीच नाम के एक आदमी को भी देखते हैं और इसी के लिए जिम काम कर रहा था। और पार्ट 4 में जिम अपने काम में नाकाम हो चुका था, इसीलिए बीच खुद आया था उस काम को अंजाम देने के लिए। अब वो अपने ट्रक में फेंस के पास आ जाते हैं और उन्होंने उस क्रोकोडाइल को अपने ट्रक में बांध कर रखा था, जो कि अभी तक बेहोश था। और उसी ट्रक में बंद हम दो एनाकोंडास को भी देखते हैं। और वहां हम दो साइंटिस्ट को भी देखते हैं, जिनमें से एक उस क्रोकोडाइल के ब्लड का डीएनए लेकर उसे सीरम में कन्वर्ट करके फीमेल एनाकोंडा में इंजेक्ट कर देता है, जिससे उस फीमेल एनाकोंडा का रिप्रोडक्शन सिस्टम और ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी। और वो 24 घंटों में ही अंडे देने वाली थी और बीच को इसी की जरूरत थी। पर इसी बीच उस क्रोकोडाइल को होश आ जाता है और वो उन पर हमला करने लगता है। और अपनी पूंछ से हमला करने की वजह से उस ट्रक का कुछ हिस्सा टूट जाता है और वहां से वो दोनों एनाकोंडास निकलकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। ये सिचुएशन देखकर जिम जल्दी से ट्रक से निकलकर फेंसिंग का गेट ओपन करके वहां से भाग जाता है। और बीच को गेट का पासवर्ड नहीं पता होता तो वो ट्रक स्टार्ट करके फेंसिंग के गेट को तोड़कर बाहर निकलता है, लेकिन ट्रक फेंसिंग में ही फंस चुका था और उसमें आग भी लगने लगती है। तो बीच जल्दी से ट्रक से बाहर निकल जाता है और तभी ट्रक में एक ब्लास्ट होता है, जिससे वो क्रोकोडाइल भी मारा जाता है। अब सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि फेंसिंग के गेट के टूट जाने की वजह से कुछ क्रोकोडाइल्स वहां से निकलकर एक दूसरी लेक की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसका नाम क्लेयर लेक है, जहाँ टूरिस्ट घूमने आते हैं और वहां कोई क्रोकोडाइल्स भी नहीं थे। अब हम रेबा को देखते हैं, जो कि टाउन की शेरिफ बन चुकी थी। अब रेबा के पास एक ऑफिसर फर्ग्यूसन की कॉल आती है, जो फेंसिंग के इंसिडेंट के बारे में उसे बताता है। तो रेबा इस बारे में जांच करने के लिए फेंसिंग की तरफ निकल जाती है। अब हम बीच को देखते हैं, जो कि अपने बॉस के पास जाकर फेंसिंग के गेट के अंदर हुए इंसिडेंट के बारे में उसे बताता है। और उसकी बॉस सारा मर्डॉक होती है, जो कि एनाकोंडा 3 और 4 में दिखाए गए पीटर मर्डॉक की बेटी है। और वो उस एनाकोंडा और क्रोकोडाइल के डीएनए को मिलाकर एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाह रही थी जिससे इंसान इमॉर्टल हो सकता था। इसीलिए उन एनाकोंडास को ढूंढने के लिए सारा भी तैयार होकर लेक की तरफ निकल पड़ती है। अब हम कुछ लड़कियों के ग्रुप को देखते हैं, जो कि स्टडी टूर के लिए क्लेयर लेक की तरफ जा रही थी, जिनमें हम उस ग्रुप की लीडर टिफानी और उसकी असिस्टेंट अम्बर को देखते हैं। और दूसरी कार में बेथने और मार्गो को देखते हैं। वही बेथने अपने डैड को कॉल लगाती है और हम उसके डैड टूल को देखते हैं, जो कि इसी टाउन में फिश एंड गेम्स ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए काम करता था। अब बेथने उसे बताती है कि वो ग्रुप स्टडी के लिए क्लेयर लेक की तरफ जा रही है और टूल उसे रोकता नहीं, क्योंकि अभी तक टूल को फेंसिंग के गेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब हम जंगल में एक शिकारी को देखते हैं, जो कि हिरन का शिकार करने आया था, लेकिन तभी बहुत सारे बेबी क्रोकोडाइल उस पर हमला कर देते हैं और उसे खा जाते हैं। अब रेबा फेंसिंग के पास पहुंच चुकी थी और वो उस मरे हुए क्रोकोडाइल की जांच करती है, तो उसे उसके अंदर से उस साइंटिस्ट के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिससे रेबा समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब रेबा फिश एंड गेम्स में टूर को कॉल करती है और उसे पूरी सिचुएशन बता के उसे फेंसिंग के पास बुलाती है। अब सारा मर्डॉक बीच और अपने दो गार्ड्स के साथ टाउन पहुंच चुकी थी और वो सबसे पहले जिम को पकड़ती है, क्योंकि उसे इस लेक और जंगल के बारे में पता था। अब टूल भी फेंसिंग के पास पहुंच जाता है और वो रेबा से बात करने लगता है। और तब उसे पता चलता है कि कुछ क्रोकोडाइल्स गेट से बाहर निकले हैं और वो यकीनन अब शिकार के लिए क्लेयर लेक की तरफ जा रहे होंगे। और क्लेयर लेक से टूल को अपनी बेटी का याद आता है और वो उसे कॉल करने लगता है, लेकिन उसे कॉल नहीं लगती, तो टूल रेबा को लेकर क्लेयर लेक की तरफ निकल जाता है। अब हम क्लेयर लेक में बोट पर दो कपल्स को देखते हैं, जिनमें एक लड़का एंड्रयू पानी में सर्फिंग करने लगता है और उन्हें भी कुछ पता नहीं था कि क्रोकोडाइल लेक प्लासिड से भाग गए हैं। और तभी एक क्रोकोडाइल एंड्रयू पर अटैक कर देता है, जिसे हैदर देखकर डर जाती है। अब ब्रेड बोट को रोक कर पानी में एंड्रयू को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उस पर भी क्रोकोडाइल अटैक कर देता है। अब मेलिसा और हैदर दोनों डर जाती हैं कि तभी वो क्रोकोडाइल बोट पर चढ़कर मेलिसा को भी पानी में खींच कर ले जाता है।
अब वो लड़कियां क्लियर लेक पहुंच जाती हैं और टिफ सब पर अपना ऑर्डर चलाने लगती है, और हमें दिखता है कि वो बहुत ही खड़ूस टाइप की लीडर है और वो सबको पानी में जाने का ऑर्डर देती है। अब वो सब लड़कियां पानी में आ जाती हैं और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक क्रोकोडाइल उनकी तरफ बढ़ने लगता है और वो एक लड़की को अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर बाकी सब लड़कियां डर कर पानी से बाहर भागने लगती हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल एक और लड़की को पकड़ कर ले जाता है। अब ये देखकर टिफ और एम्बर भी भागने लगती हैं, लेकिन तभी वो देखती हैं कि एक क्रोकोडाइल पहले से ही वहां मौजूद है। अब टिफ खुद को बचाने के लिए एम्बर को क्रोकोडाइल के आगे धक्का देकर भाग जाती है और एम्बर क्रोकोडाइल का शिकार बन जाती है। अब रेबा टूल के साथ क्लियर लेक की तरफ जाते हुए फर्ग्यूसन को क्लियर लेक और उसके आसपास के एरिया को क्लियर करवाने का कहती है। अब वो सारी लड़कियां भागते हुए अपनी गाड़ियों में आकर बैठ जाती हैं और क्रोकोडाइल्स भी उन्हें फॉलो करते हुए वहां आ चुके थे और वो सब अपना सामान, फोन और कीज वहीं लेक के पास छोड़ के आ गए थे, इसीलिए वो गाड़ी स्टार्ट करके ना वहां से जा सकते थे और ना किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला सकते थे। अब तभी एक गाड़ी पर क्रोकोडाइल चढ़ जाता है, जिसे देखकर एक लड़की डर कर गाड़ी से भागने लगती है, लेकिन वो क्रोकोडाइल उसे दबोच लेता है और उसे खींच कर ले जाता है। अब बाकी दो लड़कियां भी गाड़ी से निकलकर दूसरी गाड़ी में जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनमें से एक पर क्रोकोडाइल हमला करके उसे खत्म कर देता है, जो देखकर दूसरी लड़की को बचाने बेथनी गाड़ी से बाहर आ जाती है और बॉडी स्प्रे और लाइटर की मदद से आग लगाकर उस क्रोकोडाइल को डिस्ट्रैक्ट करती है और उस लड़की को बचाकर गाड़ी में आ जाती है। उधर रास्ते में रेबा को क्रोकोडाइल के पंजे का निशान मिलता है, तो वो और टूल वहीं आसपास देखने लगते हैं। तभी उन पर एक क्रोकोडाइल हमला करता है और वो उन्हें खाता, तभी मेल एनाकोंडा वहां आकर क्रोकोडाइल को जकड़ लेता है और वो उस क्रोकोडाइल पर इतना प्रेशर देता है कि वो क्रोकोडाइल फट जाता है। और ये देखकर टूल और रेबा भी चौंक जाते हैं, क्योंकि मेन टाउन में दूर दूर तक कोई एनाकोंडा नहीं है, तो ये यहाँ कैसे आ गया। अब टूल रेबा को लेकर अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। अब वह मार्गो किसी तरह से बिना चाबी के गाड़ी को स्टार्ट कर देती है और फिर टिफ उन क्रोकोडाइल्स को कुचलते हुए वहां से निकल जाती है, लेकिन कुछ ही दूर उनका रास्ता एक पेड़ के गिरे होने की वजह से ब्लॉक होता है, तो टिफ गाड़ी को रोक देती है जिससे उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। और तभी वहां फीमेल एनाकोंडा आ जाती है और वो गाड़ी को अपने लपेट में लेने लगती है। ये देखकर सब लड़कियां गाड़ी से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन डर के मारे एक लड़की वहीं रुक जाती है और वो एनाकोंडा गाड़ी के साथ साथ उस लड़की को भी क्रश कर देती है। ये देखकर टिफ उदास हो जाती है और बेथने और मार्गो को लगता है कि उसे उस लड़की की मौत का अफसोस हो रहा है, लेकिन टिफ को उस लड़की का नहीं बल्कि अपनी गाड़ी के क्रश होने का दुख होता है। वहीं जंगल में सारा मर्डॉक ट्रैकर की मदद से उन एनाकोंडास को ढूंढ रही थी। इसी बीच उसके एक गार्ड पर क्रोकोडाइल हमला करता है। ये देखकर बीच उस क्रोकोडाइल को गोली मार देता है, लेकिन तब तक उनका आदमी भी मर चुका था और इससे सारा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो बस उन एनाकोंडा और उनके अंडों से मतलब था, इसीलिए ना चाहते हुए भी बीच और बाकियों को आगे बढ़ना पड़ता है। अब दूसरी तरफ रेबा और टू क्लियर लेक के उसी साइड पहुंच जाते हैं जहां बेथने और बाकी लड़कियां थी, और वहां फर्ग्यूसन भी पहुंच चुका था। अब उन्हें लेक के किनारे ब्रेड की बोट मिलती है, जिसे चेक करने पर उन्हें हैदर जिंदा मिल जाती है, और हैदर इस सब से काफी डरी हुई थी, इस वजह से वो किसी को भी कुछ नहीं बता पाती। इसीलिए रेबा हैदर को फर्ग्यूसन के साथ हॉस्पिटल भेज देती है और वो खुद टूल के साथ जंगल में उन लड़कियों को ढूंढने निकल जाती है। अब सारा अपने ट्रैकर से उन एनाकोंडास को ट्रैक कर रही थी और उनके पास जाने के लिए वो एक बोट में बैठकर लेक के दूसरी तरफ जाने लगती है। इसी बीच उनकी बोट से एक क्रोकोडाइल टकराता है, जिसकी वजह से जिम पानी में गिर जाता है, तो बीच बोट को जिम के पास ले जाने का कहता है, लेकिन सारा को अब जिम की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो जिम को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है और तभी जिम पर एक क्रोकोडाइल हमला करके उसे पानी में खींच कर ले जाता है। वहीं जंगल में बेथने और बाकी लड़कियां भाग रही होती हैं और भागते हुए टिफ गिर जाती है और उसके सामने से ही क्रोकोडाइल आ रहा होता है। अब बेथने उसे भागने का कहती है, लेकिन वो क्रोकोडाइल को ही सुनाने लगती है और उसे एक मुक्का मारती है, तो फिर क्रोकोडाइल भी अपने अंदाज में टिफ को जवाब दे देता है। अब ये देखकर बाकी लड़कियां वहां से भागने लगती हैं और उन्हें वहां रेबा और टूल मिल जाते हैं, फिर वो सभी मिलकर वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। अब सारा और बीच आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उनके दूसरे गार्ड पर वो मेल एनाकोंडा हमला कर देता है और उसे बचाने के लिए जैक एनाकोंडा को मारता, उससे पहले ही सारा उसी पर गन पॉइंट कर देती है, क्योंकि सारा को उस मेल एनाकोंडा के जरिए उस फीमेल एनाकोंडा तक पहुंचना था और वो फिर उसका पीछा करने लगते हैं।
दूसरी तरफ टूल और रेबा जंगल से होते हुए लेक के किनारे पर आ जाते हैं तो उन्हें वहां दो क्रोकोडाइल्स दिखते हैं जो उस मेल एनाकोंडा को दबोच रहे थे, और तभी उसका पीछा करते हुए वहां सारा और बीट भी पहुंच जाते हैं, और सारा उन सबको उस एनाकोंडा पर गोली चलाने से मना करती है और कहती है कि वो वेक्सल कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो वो उन पर केस कर देगी। और इसी बीच वहां पर फीमेल एनाकोंडा आ जाती है जो कि अपनी पूंछ के एक झटके से ही क्रोकोडाइल को खत्म कर देती है। अब बीच वहां एक हेलीकॉप्टर को बुलाता है जो एनाकोंडा को बेहोश करके वहां से ले जाएंगे, लेकिन तभी वो बचा हुआ क्रोकोडाइल उस मेल एनाकोंडा को दबोच कर ऊपर की तरफ उछालता है और वो हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है जिससे उन दोनों का ही काम तमाम हो जाता है। अब फीमेल एनाकोंडा उस क्रोकोडाइल को दबोच लेती है और उसे मार देती है। फिर वो सारा की तरफ बढ़ती है और बीच उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो एनाकोंडा बीच को दबोच लेती है और उसे जिंदा ही निगल लेती है, लेकिन बीच अपने पास रखे ग्रेनेड की पिन निकाल देता है जिससे बीच के साथ साथ वो फीमेल एनाकोंडा भी मारी जाती है, जो देखकर सबसे ज्यादा दुखी सारा ही होती है। अब लेक के किनारे हम जिम बिकरमैन को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। अब वहीं हम रेबा को भी देखते हैं जो कि सारा को बिना इजाजत के इलीगल एक्सपेरिमेंट करने के लिए अरेस्ट कर लेती हैं। वहीं बेथने और बाकी लड़कियां भी होती हैं। अब टूल भी काफी खुश होता है अपनी बेटी को इस सिचुएशन से बाहर निकालने पर। अब हम जंगल में किसी जगह कुछ अंडों को देखते हैं जिनमें से एनाकोंडा के बच्चे बाहर थे, मतलब कि वो फीमेल एनाकोंडा मरने से पहले ही बच्चे दे चुकी थी और ये बच्चे हाइब्रिड थे, मतलब क्रोकोंडास। और यहीं पर ये मूवी दोस्तों ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी लेक प्लासिड वर्सेस एनाकोंडा की एक्सप्लेनेशन, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आई होगी। और आपने अगर अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो उन्हें आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और अब आगे की वीडियोस में मैं एनाकोंडा मूवीज़ को एक्सप्लेन करूंगी तो उन्हें देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।